हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द स्मिज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आंवला और धनिया पत्ती की चटनी। आंवले का यूज आप इस सीजन में किसी भी रूप में करें, यह बहुत ही फायदेमंद है। चटनी को आप लंच के साथ, डिनर के साथ या फिर ब्रेकफास्ट के साथ खाएं, ये खाने का टेस्ट दोगुना कर देगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आंवला और धनिया पत्ती की चटनी बनाती हूँ। चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 5 आंवला ली हूँ जिसे अच्छे से धो के रख ली हूँ। 150 ग्राम धनिया की पत्ती ली हूँ जिसके डंठल को निकाल दी हूँ और पत्तियों को अच्छे से वाश कर ली हूँ। मसालों में 1/2 छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच सादा नमक, 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 4 लहसुन की कलियों को छील कर धो के रख ली हूँ और 2 से 3 हरी मिर्च को काट के रखी हूँ। 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे सरसों का तेल ली हूँ। मैं सभी इंग्रेडिएंट और उसका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। चटनी बनाने के लिए मैं कच्चा आंवला यूज नहीं करूँगी, इसे अवन में डालकर पका लूँगी। यदि आपके पास अवन नहीं है तो इसे पानी में डाल के पका लें या फिर किसी भी बर्तन में पानी ले लें और जाली वाला बर्तन ऊपर रख लें और इसे स्टीम पर पका लें। आंवले को अवन में पकाना बहुत ही आसान है, बस अवन में आंवले को एक एक करके डाल दें और स्टार्ट बटन से बस 1 मिनट का टाइम पहली बार में सेट करें और चेक करें पका है या नहीं। 1 मिनट होने के बाद इसे चेक करें, ये अच्छे से पका नहीं है, इसे बंद कर दें और फिर से 1 मिनट का टाइम सेट करने के बाद इसे पकने दें। दो मिनट हो गया है, अब आंवले को चेक कर लें। आंवला मुझे पका हुआ दिख रहा है पर यह बहुत गर्म है इसलिए मैं इसे तोड़कर नहीं दिखाऊंगी, नज़दीक से दिखाती हूँ। ये पक गया है, आंवला ठंडा हो गया है, अब मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितने अच्छे से पका है। इसे एक मिक्सी के जार में तोड़कर डाल लें। आंवले को पानी में डालकर बॉयल करेंगे तो इसका सारा न्यूट्रिशन पानी के साथ बह जाता है, इसलिए इसे अवन में बस 2 मिनट में पका लें। आप इसे चाहें तो स्टीम पे भी पका सकते हैं। सारे आंवले को तोड़कर मिक्सी के जार में डाल लें। इसकी चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आंवले को मिक्सी के जार में डालने के बाद इसमें अब सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करें। लहसुन डाली मैं, हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, सादा नमक, काला नमक, जीरा का पाउडर और अब इसमें धोकर रखी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल दें और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लें। ये देखिए चटनी बनकर तैयार है। ये देखने में कितना खूबसूरत है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसे पीसने में 1/4 कप पानी यूज की हूँ। अब इसे मैं इस कटोरी में निकाल लूँगी। चटनी में अब 1 चम्मच तेल डाल दें। सरसों तेल कच्चा डालेंगे तो चटनी का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लें। चटनी तैयार है। आंवले और धनिया पत्ती की स्पाइसी चटनी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।